नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, फूल गोभी में कई प्रकार के रोग लगते हैं, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, और इन रोगों का सही समय पर प्रबंधन ना किया जाए, इनके लक्षण को पहचान कर तो किसान भाइयों को अधिक हानि उठाना पड़ता है। तो जी हाँ, इस विषय पर यानी हम आज जानेंगे फूल गोभी में लगने वाले रोग और उनके प्रबंधन के बारे में। इस विषय को लेकर आज हमारे बीच है डॉक्टर अंसार, तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं। गोभी की फसल बहुत तरीके की बीमारियों से प्रभावित होती है, जिसमें जीवाणु जनित फंगस की वजह से बहुत सारी बीमारियां गोभी की फसल में लगती है। यदि इनका ससमय अगर उपचार ना किया जाए तो किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितने तरीके की बीमारियाँ गोभी के अंदर होती हैं, उसको हम लोग एक एक करके बात करेंगे उनके ऊपर, और उनके लक्षण को आप लोगों के सामने रखेंगे, जो किसान भाई इसको लक्षण को देख करके उसमें प्रबंधन उसका आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पत्तियों के ऊपर गोल धब्बे रोग बनते हैं, जिनको बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। उसमें हम लोग देखते हैं एक सर्कुलर रिंग बनता है और जिसके ऊपर भूरे रंग के रोएदार धब्बे दिखते हैं, जो कि पत्तियों और उन धब्बों के किनारे पे पीले रंग के एक रिंग बननी शुरू हो जाती है। तो इससे हम लोग काफ़ी हद तक पता लगा लेते हैं कि ये एक अल्टरनेरिया नामक फफूंद से होता है, जो कि हम लोग देखते हैं अक्सर गोभी की जो निचली पत्तियां होती हैं उनमें ये लक्षण ज़्यादा दिखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो है, जो पत्तियाँ हम लोग देखते हैं फसल के अंदर, तो इसको अगर हम लोग देखें ध्यान से तो इसमें हम लोगों को लक्षण बहुत आसानी से दिख जाते हैं, जो कि गोल धब्बे दिख रहे हैं और इसमें एक छोटी छोटी रिंग भी दिख रही हैं। और इनमें संक्रमण की वजह से हम ये भी देख सकते हैं कि पत्तियों के जहाँ पे ये स्पॉट बने हुए हैं उनके चारों तरफ जो है पीले रंग की एक धब्बे बन जा रहे हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि सारे लक्षण ये ज़्यादातर निचली पत्तियों पर दिख रही हैं, और इनका अगर हम लोग ससमय अगर नियंत्रण नहीं कोई इसमें लगाते हैं तो इससे पूरे पौधों पर फैल जाता है, जिससे किसानों को भारी हानि होती है। तो इसके उपचार के लिए हम लोग इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब अगर ये लक्षण हमको दिखता है खेत के अंदर, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो संक्रमित पत्तियां हैं उनको खेत से फौरन हम लोग नीचे से तोड़ करके हटा दें, और इन पत्तियों को हम लोग हमेशा ध्यान रखें कि खेत के अंदर इन पत्तियों को ना फेंकें, इनको इकट्ठा करके एक जगह पर खेत में के कहीं किनारे कुछ स्थान पर हम लोग उसको मिट्टी में उसको दबा दें। रही अगर हम लोग फफूंद नाशी की अगर बात करते हैं, तो इसके अंदर फफूंद नाशी का छिड़काव अति आवश्यक होता है। तो पहला छिड़काव हम लोग इसके अंदर मैंकोजेब का छिड़काव करेंगे, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग घोल बना करके इनमें फसल में छिड़काव करेंगे।